नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम पंचम स्थान या पंचम भाव के बारे में चर्चा करेंगे या उसके बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी श्री गणेशा वैदिक ज्योतिष केंद्र .blogspot.com इस लिंक पर विजिट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचम भाव विचार। पहला, पंचम स्थान का स्वामी बुध शुक्र संयुक्त या दृष्ट हो। दूसरा, पंचमेश शुभ ग्रह से घिरा हो। तीसरा, बुध उच्च का हो। चौथा, बुध पंचम स्थान में हो। पांचवा, पंचमेश जिस नवमांश में हो उसका स्वामी केंद्रगत हो और शुभ ग्रह से दुष्ट हो तो जातक समझदार बुद्धिमान और विद्वान होता है। पंचमेश जिस स्थान में हो उस स्थान के स्वामी पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हो तो जातक सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है। यदि लग्नेश नीच या पाप ग्रह युक्त हो तो जातक की बुद्धि अच्छी नहीं होती। पंचम स्थान में शनि और राहु हो और शुभ ग्रह की पंचम पर दृष्टि न हो, पंचमेश पर पाप ग्रह की दृष्टि हो और बुध द्वादश स्थान में हो तो जातक की स्मरण शक्ति अच्छी नहीं होती। पंचमेश शुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो अथवा पंचम स्थान शुभ युक्त या दृष्ट हो और बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी 1, 4, 5, 7, 9, 10 स्थानों में हो तो स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होती है। गुरु 1, 4, 5, 7, 9, 10 स्थानों में हो, बुध पंचम भाव में हो, पंचमेश बलवान होकर 1, 4, 5, 7, 10, 9 स्थानों में हो तो जातक बुद्धिमान होता है। पंचमेश 1, 4, 7, 10 स्थानों में हो तो जातक की स्मरण शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। पहला, दसवें भाव का स्वामी लग्न में या ग्यारहवें भाव का स्वामी ग्यारहवें भाव में हो तो जातक कवि होता है। दूसरा, स्वगृही बलवान मित्रगृही या उच्च राशि का पंचमेश 1, 4, 5, 7, 9, 10 स्थानों में स्थित हो या पंचमेश दसवें अथवा ग्यारहवें भाव में स्थित हो तो संस्कृतज्ञ विद्वान होता है। धनेश सूर्य या मंगल हो और वह गुरु या शुक्र से दृष्ट हो, गुरु स्वराशि के नवमांश में हो एवं काराकांश कुंडली में पंचम भाव में बुध या गुरु हो तो जातक फलित ज्योतिष का जन्म लेने वाला होता है। चौथा, काराकांश लग्न से द्वितीय तृतीय और पंचम भाव में केतु और गुरु स्थित हो, धनु स्थान में चंद्रमा और मंगल का योग हो तथा बुध की दृष्टि हो, धनेश अपने उच्च राशि में हो, गुरु लग्न और शनि आठवें भाव में हो, गुरु 1, 4, 5, 7, 9, 10 स्थानों में हो, शुक्र अपने उच्च राशि और बुध धनेश हो या धन भाव में गया हो, द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह से दृष्ट मंगल हो एवं काराकांश कुंडली में चौथे पांचवें स्थानों में बुध या गुरु हो तो जातक गणितज्ञ होता है। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में गणितज्ञ योग होता है वह ज्योतिषी अकाउंटेंट इंजीनियर ओवरसियर मुनिम खाजनीज रेवेन्यू ऑफिसर एवं पेमाइस करने वाला होता है। पांचवा, रवि से पंचम स्थान में मंगल शुक्र शनि और राहु इन चारों में से कोई भी दो या तीन ग्रह स्थित हो, लग्न में चंद्रमा स्थित हो, पंचम भाव और पंचमेश पाप ग्रह से युक्त या दुष्ट हो तो जातक अंग्रेज भाषा का जानकार होता है। छठा, शनि से गुरु सातवें स्थान में हो या शनि गुरु से नवम पंचम का संबंध हो या ये ग्रह मेष तुला मिथुन कुंभ और सिंह राशि में हो अथवा शनि गुरु 1, 7, 2, 8, 3, 9, 5, 11 में हो तो जातक वकील वेरिस्टर प्रोफेसर एवं न्यायाधीश होता है। सातवा, काराकांश कुंडली में पांचवें भाव में पाप ग्रह से युक्त चंद्रमा गुरु स्थित हो तो नवीन ग्रंथ लिखने वाला जातक होता है।